सो बेसिकली आई एम एन इंटर्न, मैंने MBBS बाहर से किया हुआ है और मैं यहाँ पे सब FMG इंटर्न्स को रिप्रेजेंट करने आई हुई हूँ. सो द इशू इज़ दैट यहाँ पे IMGs को, जिनने यहाँ से ही MBBS किया हुआ है, उन सबको स्टाइपेंड मिलती है फॉर देयर वर्क, जो वो वर्क करते हैं गवर्नमेंट के लिए. बट हम सेम अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं और उन्हीं हॉस्पिटल्स में अलॉन्ग साइड दोज डॉक्टर्स हम काम करते हैं, बट स्टिल हमें कोई स्टाइपेंड नहीं दी जाती है. ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स के खिलाफ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस और NMC दोनों की डायरेक्शंस के खिलाफ है. हम लोग यही चीज़ यहाँ पे इसी चीज़ को बेसिकली गुजारिश करने आए हैं गवर्नमेंट से कि हम लोगों को हमारी फेयर कंपनसेशन दी जाए विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बिकॉज हम इस चीज़ को ऑलमोस्ट एक साल से फॉलो कर रहे हैं. एक साल से हम डिफरेंट ऑफिसेज के चक्कर काट रहे हैं, बट इवेंचुअली हमें ये बताया जा रहा है कि हाँ, व्हाट यू सेइंग इज़ राइट, यू डिज़र्व दिस स्टाइपेंड, बट हमारी पॉलिसीज़ अभी तक ऐसी नहीं थी, तो पॉलिसीज़ अपडेट करने में हमें टाइम लगेगा. सो बेसिकली देर जस्ट कम्प्लीटली निगलेक्टिंग आर बैच. तो मे बी नेक्स्ट बैच से दे माइट इम्प्लीमेंटेड, बट दे आर नॉट विलिंग टू डू दैट फॉर आर बैच. एंड इफ़ दैट वॉज द केस, अगर उनके पास पॉलिसीज नहीं थी, देन दे शुडंट हैव आस्क्ड अस टू वर्क. हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं था, वी हैड टू डू आर इंटर्नशिप हेयर. इट्स कॉल्ड कंपल्सरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप, इसके नाम में ही कंपल्सरी आता है. सो जस्ट टू गिव एवरी वन द आइडिया कि हमें कोई और ऑप्शन नहीं होता कि हम यहाँ पे इंटर्नशिप ना करें एंड वी कैन जस्ट वर्क समवेयर एल्स. वी हैव टू गो थ्रू दिस इंटर्नशिप पीरियड. हमें अपने वर्क आवर्स देने होते हैं, यहाँ पे नाइट्स देनी होती हैं हमें, 24 आवर्स, 36 आवर्स की शिफ्ट देते हैं हम, एंड फॉर दैट वी डोंट गेट पेड एट ऑल, एंड इट्स कम्प्लीटली अनफेयर टू अस, एंड दैट्स वाई वी आर हियर. हु हैज़ डन हिज MBBS फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बेसिकली जो एवेन्यू आज के टाइम पे था, जैसे आज के स्टूडेंट्स दे हैव अराउंड 1000 सीट्स, हमारे टाइम पे 200 सीट्स होती थी. तो वी आर बाउंड टू गो आउटसाइड एंड लुक फॉर डिफरेंट ऑप्शंस. तो इट्स नॉट अ क्राइम टू लुक फॉर डिफरेंट ऑप्शंस और ऐसी जॉब या ऐसा प्लेसमेंट ढूंढना अपने लिए जिसमें आपका फ्यूचर सेटल रहे. तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग देयर इज अ डिस्पैरिटी बिटवीन द इंटरनल जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं होते हैं और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं. इट हैज़ बीन सिंस 2009 कुछ डिफरेंट रूल्स बने थे रिगार्डिंग IMGs एंड FMGs, बट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NMC ऑल द प्रीवियस रूल्स जो जितने भी थे वो सारे अबॉलिश हो गए और नए रूल्स इन कॉन्टेम्पलेशन ले आई गवर्नमेंट. ठीक है, तो जब ये नए रूल्स आए तो ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी या जो भी थे वो इम्प्लीमेंट करते हैं वो रूल्स जो उनको फेवर करते हैं, रादर देन गिविंग अस द प्रॉपर एंड इक्वल राइट्स, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी परसों रिसेंटली डायरेक्शंस दी कि दे गिव देम इक्वल राइट्स टू दोज FMGs हु कम एंड वर्क ओवर हियर, क्योंकि ये एक बॉन्डेड लेबर की तरह हमें लिया जाता है, दैट वी वर्क फॉर 24 to 36 आवर्स एंड राइट इन द मॉर्निंग वी आर जस्ट लेफ्ट फॉर होम एंड हमें कोई पूछने को भी नहीं होता है. ये जो ये डिस्पैरिटी है ये ख़त्म होनी चाहिए. हम एडमिनिस्ट्रेशन से बाकियों से अपील करते हैं कि जो इक्वल राइट्स हम डिज़र्व करते हैं एटलीस्ट गिव अस, क्योंकि एक साल से हम इस केस और फाइल के पीछे चलते आ रहे हैं, फिर लास्ट स्टेज पे आके ये हमें कहेंगे कि दैट यू डोंट फॉल अंडर दिस रूल. वी हैव बीन टू सुप्रीम कोर्ट, वी हैव बीन टू डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज. डिस्पाइट डॉक्टर आबिद सर, उन्होंने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बट वट हिज एडमिनिस्ट्रेशन टेल्स अस कि इट्स गोना टेक टाइम, बट टाइम इज़ वॉट वी डोंट हैव राइट नाउ, क्योंकि लास्ट 10 महीने से फॉलो करने के बाद ये एक साल की इंटर्नशिप होती है. एक साल की इंटर्नशिप में भी हमने 10 महीने वेट किया, 10 महीने वेट करने के बाद वेयर आर वी सपोज टू गो नाउ. एटलीस्ट जो हमारा कंपनसेशन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, दे आर बाउंड टू डू दैट. हम डॉक्टर आबिद सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मैटर में एक प्रॉपर इंटरवीनियन करें एंड जो राइट्स है, बेसिक राइट्स एक ह्यूमन के जो होते हैं, एटलीस्ट उतना तो दे. वी आर नॉट आस्किंग फॉर होस्टल फैसिलिटीज़ एंड अदर एम्यूनिटीज़ दैट IMG गेट्स. असम वाले 30,000 रुपये लेते हैं, हमें यहाँ 12,000 भी नहीं देने के लिए तैयार है. ये जो ये डिस्पैरिटी है, एटलीस्ट दे शुड लुक इन टू दिस मैटर. हम आबिद सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ख़त्म हो जाए. वी हैव बीन टू LG एंड उनका भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था, बट जो ये टाइम मांग रहे हैं हमारे पास वो टाइम नहीं है. एटलीस्ट हमें कंपनसेट करें जो पिछला टाइम हमने यूटिलाइज किया है डिफरेंट ऑफिसेज और बाकी जगहों पे जाके. हम रिक्वेस्ट करते हैं ताकि ये चीज़ बाकी लोगों के लिए जो आगे आने वाले बैचेस है उनके लिए प्रॉब्लम ना हो. कितनी बार हम फिर से एक कलेक्टिव ग्रुप आके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम चाहते हैं आबिद सर पर्सनली इसमें इंटरवीन करें. एटलीस्ट जो बेसिक राइट्स है, स्टाइपेंड ही सिर्फ, वी आर नॉट आस्किंग फॉर हॉस्टल एंड अदर फैसिलिटीज़. एक स्टाइपेंड है वो एटलीस्ट हमें वो कंपनसेट करके दे, क्योंकि इसके बाद लास्ट ऑप्शन इज टू गो अगेन फॉर द कोर्ट टू फाइल अ पिटीशन रिगार्डिंग द हेल्थ डिपार्टमेंट. जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एंड गाइडलाइंस है ये जी उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास ये लास्ट एंड ओनली रिजॉर्ट है. आइदर डॉक्टर आबिद सर इसमें खुद इंटरवीन करें, आइदर वी हैव टू फाइल अ पिटीशन. एज पर एक साल पहले हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स
ठीक है, तो वी वर सेंट राइट नाउ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑलमोस्ट 450 स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो वो जो 450 स्टूडेंट्स है, दे आर डूइंग देयर इंटर्नशिप एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स ऑल ओवर द कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स है जिनकी अपॉइंटमेंट एक साल पहले हुई है, इनको बिल्कुल भी सैलरी नहीं दी जा रही है, ठीक है। एज़ पर द ऑर्डर्स, जिन ऑर्डर्स के हिसाब से वी वर बीइंग सेंट टू डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, कश्मीर के स्टूडेंट्स को जम्मू भेजा गया, जम्मू के स्टूडेंट्स को कश्मीर भेजा गया, ठीक है, एंड दे आर डूइंग इंटर्नशिप। तो ये जो डिफरेंट जगह पे आप भेज रहे हो, दीज वर एज़ पर द नेशनल मेडिकल काउंसिल, जो है हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी, उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से ये चल रहा था। वही नेशनल मेडिकल काउंसिल की गाइडलाइंस के हिसाब से द हेल्थ डिपार्टमेंट, ऑल दीज अथॉरिटीज़, दे शुड बी पेइंग अस द स्टाइपेंड, द सैलरी, ठीक है, पहला। सेकेंडली, दे शुड बी पेइंग अस द हाउसिंग अलाउंसेज, सिंस आप किसी को अपने डिवीजन के बाहर भेज रहे हो, दूसरी जगह भेज रहे हो, दे शुड बी पेइंग अस द हाउसिंग अलाउंसेज। सेकेंड, दे शुड बी पेइंग अस द ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेज, बिकॉज अप डाउन तो करना ही है, बिकॉज यू नॉट बी स्टेइंग देयर कम्प्लीटली फॉर अ ईयर। हमारी डिमांड ये है कि जो भी प्रोसेसेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है हमारी सैलरी के रिलेटेड, ठीक है, उस प्रोसेसेस को बिल्कुल ही तेज़, मतलब अगर आप बहुत ही अच्छी मतलब स्पीड में करें, ठीक है।